नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। ठीक है, फार्मूला के बारे में बात करेंगे जिसमें कि एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ्स, एवरेज इफ, सब टोटल्स किस तरह से एवरेज निकालते हैं पूरा डिटेल में बात करेंगे और एक 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 स्टेप में बात करूंगा और सब कुछ बताऊंगा क्या है। देखिए क्या है, तो एवरेज सबसे पहले बात करते हैं एवरेज के बारे में। मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखा और यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मूला में जाओगे तो यहां पे आता है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज में जो आपको वो नंबर पूछा जाता है, तो अगर मैं ये पूरा नंबर को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए आपको एवरेज कितना मिल रहा है, ये वैल्यू जो आपको एवरेज में मिल रहा है। थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मेट इसका चेंज कर देता हूं। ओके, तो ये जो वैल्यू है आपको एवरेज मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट एवरेज और नीचे आता है एवरेज। चलिए पहले मैं लिखा के दिखाता हूं कि एवरेज ए क्या है। तो यहां पे जब मैं फॉर्मूला में यूज करता हूं एवरेज ए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज है और सेम मैं वही भी काउंट की चेक किया और एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ और एवरेज मिला, यहाँ पे कुछ और एवरेज मिला, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एवरेज जो होता है ना, ये जो एवरेज होता है, एवरेज ऑलवेज कंसिडर ओनली वैल्यू। मतलब क्या होता है, एवरेज जो आपको सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करता है। एवरेज ए क्या करता है, वैल्यू को भी लेता है, टेक्स्ट भी लेता है। उसको मतलब नहीं है आप सेलेक्ट किया 10 सेल और 10 सेल में टेक्स्ट है या वैल्यू है, जितना भी सम होता है उसको डिवाइड करके वो रिजल्ट आपको देता है। लेकिन एवरेज क्या करेगा, आपका टेक्स्ट है तो वो उसको इग्नोर करता है, टेक्स्ट वाला वैल्यू को नहीं लेता है। लेकिन आपको देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जो कुछ वैल्यू था ना, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कर देता हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे उसी के ऊपर जो है ये लेता है, बाकी कुछ नहीं लेता। देखिए यहाँ पे सेल्स का वैल्यू लिखा हुआ ना, यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ, देखिए अभी इस एवरेज ए में कुछ लिखा हुआ है, चेंज पर आ रहा है क्या। यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ। अब देखिए क्या हो गया, दोनों में बराबर हो गया है। अभी क्या एवरेज भी सेम वैल्यू दे रहा है, एवरेज ए भी सेम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि एवरेज ए जो है वैल्यू में टेक्स्ट को कंसीडर करता है और एवरेज जो है टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करता है। पता चला क्या है डिफरेंस एवरेज और एवरेज ए में, टेक्स्ट को भी साथ में लेके चलेगा तो एवरेज ए, टेक्स्ट को छोड़ना है, ओनली वैल्यू को कंसीडर करना है तो एवरेज का फंक्शन का यूज कीजिए। दूसरा क्या आता है एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ में क्या होता है, आपको पूछा जाएगा कि ये इसी पर्टिकुलर पर्सन का जो एवरेज निकाल के दो। जैसे यहाँ पे नेम जो है मनोज कुमार, हर्ष है, परिधि मनोज है, मनोज मनोज का जितना भी सेल्स वैल्यू है ना, सिर्फ मनोज के वैल्यू को जो है सेल्स वैल्यू है उसका एवरेज लाके मुझे दो। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, मनोज ने बहुत जगह सेल्स किया है, यहाँ भी ईस्ट में किया है, वेस्ट में किया है, साउथ में किया है, नॉर्थ में किया है, सभी का सेल्स का वैल्यू दो। तो उसके लिए देखिए किस तरह से यूज करते हैं एवरेज इफ। यहाँ पे यूज करूंगा एवरेज और एवरेज इफ का फॉर्मूला आता ना, तो एवरेज में जो पूछा था रेंज, किसका रेंज चाहिए आपको, इसमें नेम जो है मैं रेंज सेलेक्ट कर लिया, कोमा, आपको क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया जो क्या है मनोज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मनोज। देखिएगा जब भी टेक्स्ट लिखोगे डबल कोट के अंदर लिखना, ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखा हूँ, ठीक है, कोमा, एवरेज, किसका एवरेज करना चाहते हो इसके रिस्पेक्ट में, ये जो है एवरेज करना चाहता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए तो इसमें जो आपको जो है मनोज का जो है एवरेज यहाँ पे लाके दे दिया। अगर मैं इसी को डायनामिक थोड़ा सा बना देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जिसका भी नेम हो उसका जो एवरेज इफ जो है कैलकुलेट करके दे। तो यहाँ पे जो मनोज लिखा हुआ नॉन मैनुअली, इसको मैं हटाता हूँ, हटाने के बाद ये जो सेल्स है इसको लिंक कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, देखिए अभी क्या है, यहाँ पे मनोज लिखा हुआ तो मनोज का जो आपको यहाँ पे मिल रहा है एवरेज, ठीक है, कितना मिल रहा है एवरेज मिल रहा है, देखिए ध्यान है। देखिए अगर मैं यहाँ पे हर्ष की बात करूँ तो जस्ट यहाँ पे मैं हर्ष का हटाता हूँ और यहाँ पे मनोज को हटा के हर्ष देख दिया, तो देखिए अभी जो चेंज हो गया वैल्यू, यहाँ पे हर्ष का जो है आपको एवरेज निकाल के दे रहा है। देखिए हर्ष का वैल्यू यहाँ पे सेल्स है ना, इसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ तो देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग जो एवरेज इफ जब आपको कंडीशनल बेसिस में दिया जाए, बोला जाएगा इस पर्टिकुलर व्यक्ति का, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या कुछ भी हो उसका जो आपको जो है एवरेज करके दो, तो उस कंडीशन में हम लोग कंडीशनल जब भी रहेगा तो एवरेज इफ वन कंडीशन रहता। अगर इसी में डबल कंडीशन रहा, एक से ज़्यादा कंडीशन रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो उस कंडीशन में क्या करना है ना, जब आपसे एक कंडीशन जैसे कि मनोज का बोला जाए, मनोज का जो है ईस्ट रीजन में कितना सेल्स का था वैल्यू, मनोज को ईस्ट रीजन में कितना सेल्स किया है उसका एवरेज मुझे चाहिए यहाँ पे। अभी देखिए मैं यहाँ पे
इस रीजन भी कर दिया, तो कंडीशन दिया। चलिए हर्ष का ही मैं लेता हूं, अगर मैं हर्ष का पूछा जाए, हर्ष जो है ईस्ट रीजन में कितना सेल्स किया है उसका एवरेज मुझे निकाल के दो, तो उस कंडीशन में डबल कंडीशन हो गया, डबल आपको है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे यूज, एवरेज इफ्स का यूज करेंगे। देखिए यहां पे जो यूज करूंगा इक्वल टू एवरेज इफ्स, क्या यूज किया एवरेज इफ्स। जैसे ही आप एवरेज इफ्स बात करते हो तो यहाँ पे कुछ आ जाता है एवरेज रेंज, ठीक है, एवरेज रेंज आपका एवरेज कहाँ उसको, ये मेरा एवरेज है तो ये वाला जो एवरेज जस्ट इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोमा किया। अब पूछा जाता है क्राइटेरिया, आप जो क्राइटेरिया ले रहे हो क्या क्राइटेरिया ले रहे हो उसका रेंज क्या है। चलिए मैंने जो क्राइटेरिया ले, ये जो है रेंज है क्राइटेरिया का, और इस क्राइटेरिया में क्या है क्राइटेरिया, तो ये जो हमारा क्राइटेरिया उसको ले लिया कोमा, सेकेंड क्राइटेरिया दूसरा भी क्राइटेरिया है, दूसरा क्या है रीजन है कोमा, उसके बाद क्या है क्राइटेरिया क्या है, ये जो मेरा क्राइटेरिया है, और एंटर प्रेस किया, देखिए कितना आ रहा है 455 जो है रिजल्ट आ रहा है हर्ष का जो है ईस्ट रीजन का, कितना है 455 है, 455 दिया। अभी देखिए हर्ष का यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं ईस्ट कर देता हूं, अभी देखिए बढ़ गया ना, ऑटोमेटिक चेंज हो गया, मतलब आप जो है एक से ज्यादा क्राइटेरिया जो है एवरेज इप्स में लगा सकते हो। अब बात कर लेता हूं सब टोटल की तरह, सब टोटल से भी हम लोग एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे उसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सब टोटल, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा, क्लियरली पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या आता है। चलिए और एक ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं पहले जो है एवरेज निकालूंगा इक्वल टू एवरेज ए को ही लेकर पकड़ता हूं, एवरेज ए, एवरेज ए में मैं टेक्स्ट और कॉलम नंबर दोनों लेता है, तो एवरेज ए फॉर्मूला लगा देता हूं यहां पे, सेलेक्ट किया एंटर प्रेस किया, रिजल्ट कितना आया, ये रिजल्ट आया। अब देखिए सब टोटल का यूज करेंगे यहां पे इक्वल टू, और यहां लिखता हूं सब टोटल, और सब टोटल में जो है क्या किया मैंने, एवरेज ए निकालना है यहाँ पे, देखिए एवरेज ए कहाँ है यहाँ पे, जब आप बात करोगे 103 पे तो काउंट है, और यहाँ पे 101 में एवरेज आता है और ऊपर में आता है एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एवरेज की बात करता हूँ, और एवरेज जो है कोमा प्रेस किया तो यहाँ पे जो रेफरेंस में जो है यही नंबर जो मैंने सेलेक्ट किया, और एंटर प्रेस किया तो दोनों में क्या है डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया है वन में एवरेज आता है, ठीक है, तो सब टोटल भी बोलता है कि मैं टेक्स्ट को नहीं काउंट करूँगा, ओनली जो है नंबर को काउंट करूँगा, ठीक है, तो सब टोटल में आप टेक्स्ट में नहीं निकाल सकते हो, यहाँ पे जो है ए को चलिए हटाता हूँ, एवरेज ही निकालता, देखिए दोनों में एवरेज जो है बराबर आ गया है, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या यूज किया हूँ एवरेज, अब देखिए सब टोटल में एक और एवरेज है इक्वल टू मैं करता हूँ और यहाँ पे जो है लिख, तो देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे जो यूज किया है एवरेज फंक्शन यूज किया है, और यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया है सब टोटल में वन फंक्शन यूज किया है, तो रिजल्ट दोनों में सेम ही आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैं इक्वल टू और यहाँ करूँगा सब टोटल, क्या करूँगा सब टोटल फंक्शन यूज करूंगा, और सब टोटल फंक्शन में फर्स्ट टाइम एवरेज वन वाला में देखिए एवरेज है, और यहाँ पे 101 है ना, देखिए 101 है ना, यहाँ पे भी एवरेज ही है, ठीक है, और कोमा प्रेस किया, रेफरेंस में भी मैं सभी को सेम ही ले रहा हूँ, और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है सभी में जो है इक्वल रेंज आ रहा है, मतलब रिजल्ट सभी जो है एक ही दे रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे भाई मैंने यहाँ पे सब टोटल में यहाँ पे एवरेज यूज किया नॉर्मल, यहाँ पे सब टोटल वन दे के यूज किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए वन दिया हूँ, और यहाँ पे जो है 101 दिया हूँ, तो तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है, जब आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करोगे ना तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। ओके यहाँ पे मैंने फिल्टर अप्लाई किया सिर्फ मनोज को लिया, ओके किया, तो देखिए आपका जो नॉर्मल फार्मूला था वही दे रहा है रिजल्ट, लेकिन सब टोटल चेंज हो गया है, सब टोटल जो ये दोनों सब टोटल जो है सिर्फ इस वैल्यू का जितना आपको विजिबल वैल्यू है सिर्फ उसी का जो है आपको एवरेज करके दे रहा है यहाँ पे। अब बोलिएगा यहाँ पे तो वन था, ये तो समझ में आया कि यहाँ पे तो डिफ चेंज हो रहा है, यहाँ पे 101 क्यों लिया, तो 101 क्यों लिया, देखिए जब मैं यहाँ पे इस डेटा को नॉर्मली हाइड कर देता हूँ, देखो डिफरेंस, ये सेम है,
ये भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल गया। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है यहाँ पे हाइड किया, तो हाइड वाला को जो है 101 यूज करोगे ना, उस टाइम जो है सब टोटल में हाइड जो डेटा है उसको कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको पता चला डिफरेंस, किस तरह से डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, वो भी आपको पता चला। तो हमने क्या बात किया इस वीडियो में? एवरेज बात किया, एवरेज ए बात किया, एवरेज इफ बात किया, एवरेज इफ्स बात किया, सब टोटल बात किया, वन का यूज करेंगे, 101 का यूज करेंगे, सभी कुछ डिटेल में बताया। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।